एमएस धोनी को बना दिया गया है टीम इंडिया का मेंटर T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो बिग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है डेफिनेटली एमएस धोनी फैंस के लिए एंड ऑल इंडियंस फैंस के लिए। तो बट एमएस धोनी क्या कर सकते हैं मेंटर बन के, एंड बेसिकली मेंटर क्या करता है क्रिकेट टीम में। तो सबसे पहले मेंटर को अपॉइंट किया जाता है किसी भी टीम के द्वारा, एंड बेसिकली उसका काम होता है प्लेयर्स को, स्पेशली यंग प्लेयर्स को नॉलेज देना जिसमें वो लैक करते हैं, या फिर मोटिवेट करना उन्हें, टिप्स देना, है ना। लाइक जैसे कि अगर कोई प्लेयर है वो उन्हें कह सकते हैं कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट अगर आप ये इम्प्रूव कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कर सकते हो। तो ऐसे वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं प्लेयर्स को, बेसिकली वो मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं अगर हम कहें तो, ठीक है। एंड उसके अलावा उनका कोई ऐसा रोल नहीं होता है, एंड जो कोच होता है एंड जो मेंटर होता है उसमें डिफरेंस होता है। जो कोच होता है वो बेसिकली टेक्निक्स पे काम करता है प्लेयर्स की, स्किल्स पे काम करता है प्लेयर की, एंड ट्रेनिंग पे वो फोकस करता है ज़्यादातर। बट मेंटर क्या करता है, बस वो गाइड करता है प्लेयर को कि आप ऐसे करो, एंड प्लेइंग इलेवन बनाने में मदद करता है। ऑन फील्ड पे क्या हो रहा है उसे बता सकता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बता सकता है, एंड ये सब वो कर सकता है। एंड बेसिकली मेंटर वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, एंड एम एस धोनी के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड इयान चैपल जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि एक मेंटर का होना ज़रूरी होता है स्पेशली यंग प्लेयर्स के लिए एक टीम में। तो एम एस धोनी है यहाँ पर, एंड एंड बेसिकली मेंटर एक और काम करता है, वो होता है वो रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, प्लेयर्स के साथ। बेसिकली कोच एंड प्लेयर्स में इतना अच्छा रिलेशनशिप रिलेशन नहीं होता, मतलब बनती नहीं है अच्छी, बट क्योंकि जो मेंटर होता है वो उनके साथ अक्सर खेला होता है तो वो रिलेशन बना पाता है। एंड एम एस धोनी के अंडर तो ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स खेले हुए हैं, ऑलमोस्ट सभी, एंड सभी मानते हैं एम एस धोनी को। तो बेसिकली वो गाइड कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, ठीक है। एंड एक और रीज़न है, बेसिकली अगर हम बात करें रीज़न की क्यों एम एस धोनी को मेंटर बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि वीडियो पसंद आ रही है, यस यस ना, तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेन सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, सिर्फ आपको टच करना है, बिल्कुल फ्री है। आपके भाई की वीडियो कर दो यार, करो, क्या कर रहे हो, करो यार अभी करो, ठीक है। तो अब बात करते हैं, करो करो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्यों बनाया गया है मेंटर। तो अगर हम देखें जो विराट कोहली है एज अ कैप्टन एंड रवि शास्त्री जो है एज अ कोच, अगर देखें हम ICC टूर्नामेंट्स में वो चल रहे हैं बट एंड मोमेंट में वो हार जाते हैं। मैं ICC टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ, वैसे सीरीज़ वगैरह नॉर्मल जो क्रिकेट होता है उसमें तो वो नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर रही है टीम इंडिया उनके अंडर, बट ICC टूर्नामेंट्स में जब आते हैं लीग स्टेज में एकदम नेक्स्ट लेवल खेलते हैं। बट जहाँ बात आती है किसकी, फाइनल्स की, सेमीफाइनल्स की, उसमें पता नहीं क्या हो जाता है। हर बार हमने देखा है 3 बार, पहले फाइनल में, देन सेमीफाइनल में, एंड देन फाइनल में इंडिया हार चुकी है अलग अलग ICC टूर्नामेंट्स में। तो जो कमी रह जाती है जिस वजह से इंडिया हारती है, उस कमी को पूरी करने के लिए MS धोनी को लाया गया है, ऐसा मुझे लगता है, एंड हो भी सकता है ऐसा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि अगर आप देखो कॉम्बिनेशन काफ़ी ख़तरनाक बन रहा है, विराट कोहली एज अ कैप्टन बुरे नहीं है, काफ़ी अच्छे कैप्टन है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुई है काफ़ी ज़्यादा। एंड रोहित शर्मा एज अ वाइस कैप्टन, 5 ट्रॉफीज़ है भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है IPL की हिस्ट्री में, ठीक है। एंड एम एस धोनी से पीछे ही खड़े हैं बस। एंड एम एस धोनी एज अ मेंटर IPL में भी कमाल करते हैं, 3 ट्रॉफीज़ हैं उनके पास ICC टूर्नामेंट्स की, तो आप कैसे भूल सकते हो भाई। एंड अगर आप इन दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो नेक्स्ट लेवल आपको एक लीडरशिप देखने को मिलते हैं, यानी
अगर कोई डिसीज़न लिया जाता है तो मतलब काफ़ी सोच समझ के लिया जाएगा। एंड काफ़ी लोग बोलेंगे यार पहले भी तो ये ICC ODI वर्ल्ड कप एंड चैम्पियंस ट्रॉफी में तीनों एक साथ खेले हैं, बट देखो अभी MS धोनी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है MS धोनी एज अ मेंटर खेल रहे हैं, एंड पहले एज अ प्लेयर खेलते थे, तो मेंटर एंड प्लेयर में काफ़ी फ़र्क होगा, डेफिनेटली होगा। एंड अब वो डायरेक्टली बता सकते हैं सभी प्लेयर्स को डेफिनेटली, कैसे वो डगआउट में बैठ के मैसेज भेज सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इनडायरेक्टली बट डायरेक्टली नहीं, जैसे कि आप अब इस बॉलर या फिर फील्ड आप ऐसे लगा सकते हो, एंड जो बेसिकली जो आते हैं ना, जो मतलब ड्रिंक्स के समय आते हैं प्लेयर्स जो बाहर बैठे होते हैं, उनके थ्रू मैसेज भेज सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन पूरी टीम के लिए, ठीक है, तो वो ऐसे कुछ कर सकते हैं। एंड आखिरी चीज़ बेसिकली, टीम इंडिया इस बार ICC T20 वर्ल्ड कप जीतना चाहती है, तो वो मतलब कुछ भी कर सकती है ना, तो इसलिए उन्होंने MS धोनी को लाया है। एंड सौरभ गांगुली ने भी कहा है कि MS धोनी के पास एक्सपीरियंस है, तगड़ा एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, तो उसको वेस्ट क्यों किया जाए, उसे हम यूज़ करेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो इस बार ऐसा लग रहा है बस स्क्वाड में थोड़ी मुझे मज़ा नहीं आया, बट IPL के बाद वो चेंज हो सकता है। शिखर धवन, युजी चहल, श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, ये कुछ नाम है मतलब जो दिमाग में आते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड तो इस बार सब कुछ सही लग रहा है, इस बार टीम इंडिया आई थिंक जीत सकती है T20 वर्ल्ड कप, बोल्ड स्टेटमेंट है पता है। तो अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन सब कुछ दबा देना है, सिर्फ टच करना है, फ्री है, कर दो यार टच, आपके भाई की वीडियो है तो करो टच, कर दो यार अभी, बस टच करना है, करो 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 करो, लास्ट टाइम टच कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।